यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हमने वेरीफाई करना है। इसमें हमने जो मैट्रिसेस लिखे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उनसे। इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ए प्लस बी, लेकिन 2 जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ हमने पहले एक एक मैट्रिक्स के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने जो आंसर इनका आएगा उसको प्लस करना है। लेकिन उसके सामने जो इसके बराबर में है वो है 2 इंटू ए प्लस बी। इसमें हमने यूँ करना है कि ए प्लस बी वाले मैट्रिसेस दोनों को हमने प्लस करना है, जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा आंसर जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वेरीफाई होगा। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे 2 को हमने 1 से किया, 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 वन्स आर 2, 2 वन्स आर 2, 2 वन्स आर 3, 2, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 है इसलिए माइनस 2 आएगा। 0 से हम करेंगे तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। इसी तरह से हमने अगले मैट्रिक्स के साथ इसको करना है। 2 को 1 से किया, 2 माइनस 1 से किया माइनस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2, फिर अगली सेकेंड रो में 2 टूज आर 4, 2 टूज आर माइनस 4, 2 टूज आर 4, थर्ड रो में 2 थ्रीज आर 6, 2 वन्स आर 2, 2 थ्रीज आर 6। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ हम इन दोनों को करेंगे प्लस। तो फर्स्ट रो में 2 प्लस 2, 4 प्लस माइनस 2, 6 प्लस 2, सेकेंड रो में 4 प्लस 4, 6 प्लस माइनस 4, 2 प्लस 4, थर्ड रो में 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2, 0 प्लस 6। तो इसको प्लस किया, यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 4 में से 2 माइनस होगा तो आंसर आएगा 2, 6 प्लस 2 यहाँ पे होगा 8, 4 प्लस 4 8, 6 में से हम माइनस 4 करेंगे आंसर 2 होगा, 2 प्लस 4 6 होगा, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 फिर 8 होगा, माइनस ये इनवर्स साइन के साथ दोनों कट जाएंगे, 0 आएगा, 0 प्लस 6 यहाँ पे 6 आंसर होगा। तो आइए अब अगला हिस्सा हल करते हैं 2 इंटू, लेकिन इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट वाले दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है, उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 1 प्लस 1, 2 प्लस माइनस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 3, 2 इंटू 1, 1 हो गया 2, 2 में से 1 को हमने माइनस किया, यहाँ पे 1 आंसर, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 1 हो गया 4, इनवर्स साइन के साथ प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएंगे 0, 0 प्लस 3 यहाँ पे आंसर आएगा 3। अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 टूज आर 4, 2 वन्स आर 2, 2 फोर आर 8, 2 फोर आर 8 सेकेंड रो में, 2 वन्स आर 2, 2 थ्रीज आर 6 थर्ड रो में, 2 फोर्स आर 8, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है बिल्कुल सेम आ गया है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरीफाई हो गए हैं, दोनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1.3 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.3 एक्सरसाइज है हमारी, मैट्रिसेस हम कर रहे हैं हल। तो इसमें हमारे पास जो है अब मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 5 से चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो थे वो और तरीके के थे, लेकिन यहाँ पे ए इज इक्वल, इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, 1 माइनस 2
उसके बाद टू के साथ हम बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनके जो आंसर आएंगे उनको हमने माइनस करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने थ्री से इनको मल्टीप्लाई किया, थ्री वन ज़ार थ्री, थ्री टू ज़ार माइनस सिक्स, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व माइनस। नेक्स्ट अगले मैट्रिक्स में टू से करेंगे, टू को जीरो से किया जीरो आएगा, टू को सेवन से किया फोर्टीन, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स, टू को एट से किया तो सिक्सटीन। अब हमने इसको करना है माइनस, तो थ्री माइनस ज़ीरो माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन, नाइन माइनस माइनस सिक्स, ट्वेल्व माइनस सिक्सटीन। तो यहाँ पे बच्चों थ्री में से हम ज़ीरो को माइनस करेंगे, थ्री आंसर आएगा। अब यहाँ पे माइनस सिक्स है माइनस फोर्टीन है, दोनों हो जाएंगे प्लस, तो माइनस ट्वेंटी आंसर आएगा। उसके बाद ये नाइन नफी नफी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, सिक्स और नाइन जो है यहाँ पे फिफ्टीन हो जाएगा, सिक्सटीन में से यहाँ पे ट्वेल्व माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस फोर। क्योंकि हमेशा जो बड़ी वाली हमारे पास वैल्यू होती है आंसर के साथ साइन उसी की आती है। तो अगला हमारा जो है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है, टू ए ट्रांसपोज, इसको हम लिखते हैं टू ए वन माइनस टू थ्री फोर माइनस थ्री बी ज़ीरो सेवन माइनस थ्री एट, और दोनों के ऊपर है ट्रांसपोज। तो बच्चों जो क्वेश्चन हमने पीछे किया है उसमें ट्रांसपोज नहीं था, हमने डायरेक्ट ही इसको मैट्रिक्सिस के साथ हमने टू और थ्री को ज़रूर किया है। इसी तरह से हमारा जो अगला ये क्वेश्चन नंबर टू है उसमें हमने सबसे पहले जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज मालूम करना है, उसके बाद हमने इनको मतलिका जो हमारा यहाँ पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन हम 1.2 एक्सरसाइज में पहले हल कर चुके हैं, फिर बता दूंगी यहाँ पे रॉस को कॉलम में चेंज करने से ट्रांसपोज निकलता है। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, पहले हमने पहली रो को लिया उसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया, सेकंड रो को लिया उसको हमने कॉलम लिख लिया। यहाँ पे टी की साइन अब ख़त्म हो गई है क्योंकि हमने इसको फाइंड कर लिया है। उसके बाद माइनस थ्री, तो इसको पहली रो को लिया कॉलम लिख लिया, फिर सेकंड रो को लिया उसको हमने कॉलम की शक्ल में लिख लिया, तो इसके ऊपर से भी हमने टी की साइन को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, टू को वन से किया टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स, टू को टू से किया माइनस फोर, टू को फोर से किया तो यहाँ एट माइनस। इसी तरह से हमने थ्री को मल्टीप्लाई करना है, थ्री को ज़ीरो से करेंगे ज़ीरो, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस नाइन, थ्री को सेवन से करेंगे तो ट्वेंटी वन, थ्री को एट से करेंगे तो ट्वेंटी फोर। उसके बाद अब हमने इनको हल करना है, तो इनमें जो साइन है वो माइनस की है, हमने इनको माइनस करना है। टू माइनस ज़ीरो, सिक्स माइनस माइनस नाइन, माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन, एट माइनस ट्वेंटी फोर। तो यहाँ पे टू में से ज़ीरो को हम मनफी करेंगे तो टू आएगा, यहाँ नफी नफी प्लस हो जाएगा, यहाँ आंसर आएगा फिफ्टीन। ये नफी और नफी होगा प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस की, तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी फाइव। उसके बाद हम 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा आएगा 16, माइनस 16। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसके दो क्वेश्चन थे वो हमने हल कर लिए हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं।